जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। भक्त मनोकामना पूर्ति की इच्छा के साथ 16 शुक्रवार ये व्रत करते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ लक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा जो हम आपको सुनाते हैं, और ये कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। माँ लक्ष्मी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो नियमित रूप से श्री विष्णु की पूजा करता था। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की इच्छा पूछी। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी कामना की। यह सुनकर प्रभु मुस्कराए और कहा कि मैं तुम्हें एक सरल सा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। विष्णु जी ने कहा कि गांव के मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और वहाँ पर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो। वो स्त्री ही देवी लक्ष्मी हैं। उसके घर आते ही तुम्हारा घर खुशियों और धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठा था। जब वो स्त्री उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उससे अपने घर आने की निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर सामान्य स्त्री बनी माँ लक्ष्मी समझ गई कि ये सब भगवान श्री विष्णु ने कहा होगा। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो, 16 दिन तक ये व्रत करना, फिर 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने पर जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो पूरी होगी। लक्ष्मी जी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने ये व्रत किया और देवी को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पुकारा, जिसके बाद से ब्राह्मण के घर पर कभी भी धन दाने की कमी नहीं रही। तब से ये मान्यता है जो भी जातक पूरी श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी व्रत करता है उसके घर में महालक्ष्मी जी का वास होता है और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।